और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा है कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा फॉर्म नहीं भरे, लेकिन बीबी को दिलाने आ गए। हर आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं कि आप तो संघ से बंधे हुए हैं लेकिन मैं एग्जाम दूंगी। हमारा संघ जो है, संघ के बदौलत ही हम लोगों को सब कुछ मिला है और आगे उम्मीद है कि मिलेगा। तो हमारे महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जो है XMLC है, उन्होंने आह्वान किया कि हम किसी भी हाई स्कूल और प्लस टू में किसी को फॉर्म नहीं भरना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और आखिरी दिन, और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं JD Women's College के पास। लेकिन JD Women's College के पास एक अनोखा दंपति मिले, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक हैं, और दोनों लोग राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए एग्जाम देने पहुँचे हैं। हम इन लोगों से बातें करेंगे। कहाँ की रहने वाली है ये बताइए? मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ जी। दो पेपर बीत चुका है, आखिरी पेपर है, कैसा तैयारी? दो पेपर तो नहीं, एक पेपर बीता एक है पेपर जी। कल भी पेपर था, जनरल जो पेपर जी वही बीता है। कितना तैयारी? कल वाला तो बिल्कुल सही गया है, बहुत अच्छा गया है कल वाला जी। कितना तैयारी है, मतलब आज एग्जाम देने जा रहे? उर्दू की तो पूरी तैयारी है जी। अच्छा, आप भी? जी के जो है वो थोड़ा उतना सही नहीं है, अभी उतना तैयारी नहीं है उसका, लेकिन उर्दू की तो पूरी तैयारी हो गई। अच्छा, आप भी शिक्षक हैं, आपके हस्बैंड भी शिक्षक हैं, उसके बाद भी घर कौन संभालता होगा? घर में और लोग हैं, हम लोग भी हैं, सब आदमी मिल के संभालते हैं। अच्छा, कितना टफ होता होगा, आप लोग दोनों लोग एग्जाम देने पहुँचे हैं? टफ तो कुछ नहीं लग रहा है। आप नियोजित शिक्षक हैं जी, ये तो नहीं दे रहे हैं एग्जाम, मैं दे रही हूँ सिर्फ जी। मतलब क्या उम्मीद है कि इस बार राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल जाएगा? हाँ, जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, उम्मीद तो पूरी है। चलिए, आप बताइए। मेरा नाम जमशेद आलम हुआ, मैं गोपालगंज में हाई स्कूल में इंग्लिश का शिक्षक हूँ और मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारी पत्नी मिडिल स्कूल में है, ये भरी हैं, ये एग्जाम दे रही हैं, लेकिन मैं संघ का पदाधिकारी हूँ। हम संघ, मेरा आह्वान किया कि किसी को फॉर्म नहीं भरना है, उसी का मैं फॉलो किया और फॉर्म नहीं भरा हूँ। और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा है कि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा फॉर्म नहीं भरे, लेकिन एग्जाम दिलवाने आ गए। हाँ, बीबी को दिलाने में आ गए। हर आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं कि आप तो संघ से बंधे हुए हैं लेकिन मैं एग्जाम दूंगी, तो उनको मैं कैसे रोक सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है। अच्छा, कितना टफ होता होगा घर में बच्चों को संभालना? हाँ, पूरे परिवार को संभालना, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं। बहुत 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 भी शिक्षक, बहुत 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 टफ है। और हम लोग उसी में समय निकाल के, हमारी भाई रात में खाना बनाने के बाद रात में 2-3 घंटा अध्ययन करती थी। उनका उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी है, उर्दू सब्जेक्ट है उनका, GK भी उनकी तैयारी है, लेकिन GK में थोड़ा सा अब किस लेवल का पूछेगा अब देखना है, लेकिन उर्दू की पूरी तैयारी है उनकी। आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया, आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए? हमको राज्यकर्मी का दर्जा, हमारा संघ जो है, संघ के बदौलत ही हम लोगों को सब कुछ मिला है और आगे उम्मीद है कि मिलेगा। तो हमारे महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जो है XMLC है, उन्होंने आह्वान किया कि हम किसी भी हाई स्कूल और प्लस टू में किसी को फॉर्म नहीं भरना है। और हम शिक्षक संघ के एक सिपाही के नाते मैंने फॉर्म नहीं भरा, और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कहा है कि BPSC एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को भी अच्छा करेंगे। कल भी 25 अगस्त को भी उन्होंने कहा है कि जो मैं 15 अगस्त को घोषणा किया हूँ उसको पूरा करूँगा। तो हमें भी उम्मीद है पूरा 100% की हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री देंगे, इसलिए कि उन्होंने ही हम लोगों का 4,000 से लेकर आज तक 40,000 तक पहुंचाया है। इसी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आपने सोचा कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा या ना मिले, लेकिन बीबी को मिल जाए? बीबी कहने का मतलब एग्जाम दे के ना आ रही है, इसलिए अब तो कैसा एग्जाम जाएगा, अब रिजल्ट आने के बाद ना पता चलेगा। नीतीश कुमार पर उम्मीद है? उम्मीद है नीतीश कुमार पर, उम्मीद है, जो वो कहते हैं करते हैं। हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, तभी आपने देखा इस वक्त हम JD वुमेन्स कॉलेज के पास थे। आपको बता दें कि आज BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा और आखिरी दिन है, और यहाँ पर सेंटर पर एक मुझे दंपति मिले, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों शिक्षक हैं और दोनों लोग सेंटरों पर पहुँचे हैं। लेकिन वहीं जो वाइफ है वो बता रही है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, इसीलिए हम एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। लेकिन जो हस्बैंड है वो शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए शिक्षक संगठनों के कहने पर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। लेकिन दोनों लोगों का कहना है कि हम लोग के जो नीतीश तेजस्वी ने जो फैसला लिया, इस फैसले पर उम्मीद है, भरोसा है, और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।